हाय गाइस, माय नेम इज़ मोहसिन एंड वेलकम टू द मरीन मैन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप इंस्टीट्यूट डीएनएस के लिए, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट कैसा है, फी स्ट्रक्चर कैसी है, स्पॉन्सरशिप कैसे मिलती है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। डीएनएस क्या है, उसे कैसे ज्वाइन करें, वो अगर आपको पता नहीं है तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो सबसे पहले जाके वो देख ले। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा के नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दे। लेट्स स्टार्ट। कॉलेज के नाम बताओ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई ऑफिशियल रैंक वाइज कॉलेज नहीं है, ये मैंने खुद अपने तरीके से रैंक इनको किया है। एक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए किया है कि फ्यूचर प्लेसमेंट और जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। कोई उधर वेबसाइट पे आप देखते हो तो ये रैंक ऊपर नीचे हो सकता है, बट कॉलेज तो यही रहेगी, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए यहाँ पर मैंने इंस्टीट्यूट को दो टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहले वो इंस्टीट्यूट आती है कि जो इंस्टीट्यूट खुद एक शिपिंग कंपनी है, जैसे ही आप उसकी एंट्रेंस क्लियर करते हो तो आपको कोई दूसरी शिपिंग कंपनी में स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये इंस्टीट्यूट जो खुद की शिपिंग कंपनी है उसमें से आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। और टाइप वन में सबसे पहले इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसका नाम है, हाँ वही है जो आप सोच रहे हो, एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम अकेडमी, जो कि लोकेटेड है कर्जत। एंग्लो ईस्टर्न एक वेल रेप्यूटेड शिपिंग कंपनी भी है और वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट भी है। उसके पास अराउंड 800 प्लस शिप है जो ऑलरेडी वर्किंग है, इसलिए अगर आप उसके इंस्टीट्यूट की एंट्रेंस क्लियर करते हो डीएनएस के लिए तो आपको स्पॉन्सरशिप के लिए चिंता नहीं है, आपको एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट में ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाएगा। वेल रेप्यूटेड है इसलिए आपको IMU CET रैंक भी अच्छा खासा लाना पड़ेगा और एंट्रेंस में भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। फी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो अराउंड 8 लाख के अराउंड है एक साल के लिए। दूसरी इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो है ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़, जो कि लोकेटेड है लोनावला पुणे में। ये भी एक खुद की ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी है, इसके पास भी अराउंड 75 प्लस शिप्स ऑलरेडी वर्किंग है, इसलिए इसमें भी आपको स्पॉन्सरशिप उनकी खुद की शिपिंग इंडस्ट्री में मिल जाएगी। इसमें एक एडवांटेज ये है कि अगर आपके 60-65% के बीच में मार्क्स है 12th PCM में तो एंग्लो ईस्टर्न में आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें 65% मिनिमम है और ग्रेट ईस्टर्न में 60% मिनिमम है, तो ये एक एडवांटेज है। अगर इसकी फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अराउंड 6.5 लाख के आसपास होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम थर्ड इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट ओन्ड शिपिंग कंपनी है, इसका इंस्टीट्यूट भी है मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि लोकेटेड है मुंबई में। इसमें भी अगर आप एंट्रेंस क्लियर करते हो तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएंगी खुद शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, उसको भी काफ़ी सारे शिप्स है, ठीक है। ड्रॉबैक एक ही है कि एक इंडियन कंपनी है तो आपको सैलरी भी इंडियन रुपीज में मिलेगी और थोड़ी सी सैलरी कम मिलेगी बाकी कंपनी के मुकाबले। बाकी ये भी 100% स्पॉन्सरशिप देने वाली कंपनी है। इसमें फी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी अराउंड 6.5 लाख है। हाँ, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी और इंस्टीट्यूट है, बट फी स्ट्रक्चर इधर भी 6.5 के अराउंड है। गर्ल्स के लिए थोड़ा कम रहेगा, वो तो सारे इंस्टीट्यूट में गर्ल्स के लिए तो कम ही होता है। ये तो हो गई टाइप वन की इंस्टीट्यूट की, जो खुद एक शिपिंग कंपनी है और स्पॉन्सरशिप खुद की शिपिंग कंपनी में ही प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अब टाइप टू की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट है कि जिसका काफ़ी सारी मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी के साथ टाई अप होता है। इसमें प्रोसेस ये रहेगा कि सबसे पहले आपको इन इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिलअप करना रहेगा और इसका एंट्रेंस प्रोसेस को आपको क्लियर करना होगा। जैसे ही आप एंट्रेंस प्रोसेस क्लियर करते हो तो ये आपका एकेडमिक्स और डाटा अपनी टाइप वाली सारी शिपिंग कंपनीज को भेज देगा, वो शिपिंग कंपनीज आप में से शॉर्टलिस्ट करेगी और फिर स्पॉन्सरशिप टेस्ट होगा। फिर जो जो लोग स्पॉन्सरशिप टेस्ट को क्लियर करेंगे तो उसको स्पॉन्सरशिप लेटर उस कंपनी से मिल जाएगा। फिर आप इस इंस्टीट्यूट में आके एक साल DNS करें और DNS करने के बाद वो कंपनी जिसमें आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिला है उसमें आप डेक कैडेट ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। इसीलिए DNS ज्वाइन करने के लिए, DNS कोर्स करने के लिए स्पॉन्सरशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखता है।
तो सबसे पहले कॉलेज की बात करूँ तो वो है तोलानी मेरीटाइम इंस्टीट्यूट, जो कि लोकेटेड है इंदौरी पुणे में। ये काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनीज़ यहाँ पे आती है स्पॉन्सरशिप के लिए। MSC फ्लीट मैनेजमेंट, मॉस्क लाइन, टॉम शिपिंग, विलहेम्सन, काफ़ी सारी कंपनीज आती है। इनकी वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ ये लोगों का टाइप है और वो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कराती है, ठीक है। उसका स्पॉन्सरशिप टेस्ट आपको अलग से देना पड़ेगा। इसकी फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अराउंड 5 लाख के अराउंड रहेगा। दूसरी इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो है समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़। ये भी एक काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है कि जो एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट में स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कराती है। अगर इसकी फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो अराउंड 7.5 लाख के आसपास रहेगा, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो है IMI नोएडा इंटरनेशनल मेरीटाइम इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये भी एक अच्छी इंस्टीट्यूट है, इसका भी प्लेसमेंट रेशियो बहुत ही अच्छा है, स्पॉन्सरशिप काफ़ी सारे स्टूडेंट को मिलती है और स्पॉन्सरशिप के लिए MSC, स्कॉर्पियो, वी शिपिंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर विजिट करती है। तो इसमें भी अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 5.72 लाख के अराउंड रहेगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूट की बात करें तो अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल की, जो आई थिंक दिल्ली में लोकेटेड है, उसमें भी फ्लीट मैनेजमेंट जैसी कंपनीज विजिट करती है स्पॉन्सरशिप के लिए। उसके बाद TS रहमान भी एक अच्छी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी काफ़ी सारी कंपनीज आती है। TS रहमान का एडवांटेज ये है कि उसमें बहुत ही कम फीस है, मीन्स आपका DNS अराउंड 2 से 2.5 लाख के बीच में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप फाइनेंशियली वीक है तो आप TS रहमान से चूज़ कर सकते हो, या फिर आपको एजुकेशन लोन भी मिलेगा अगर कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में होता है। फिर भी अगेन बोल रहा हूँ कि स्पॉन्सरशिप लेटर तो मस्ट बी रिक्वायर्ड है DNS के लिए। अगर कोई बोलता है कि DNS कर लो फिर आपको जॉब मिल जाएगी तो मत पढ़ना, SC वैसी कॉलेज से मत करना, और एजेंट में तो बिल्कुल ही मत पढ़ना। बड़े बड़े सपने दिखाकर सारे पैसे चूस लेंगे बट लास्ट में हाथ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए 1 साल ड्रॉप ले लो, अच्छे तरीके से मेहनत करो, अपना 100% दे दो और अच्छे इंस्टीट्यूट में स्पॉन्सरशिप लेटर लेके DNS में एडमिशन लो। इन सारी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आपको उनकी वेबसाइट विजिट करती रहनी होगी कि जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म DNS के लिए आता है तो आप जल्दी से फिलअप कर ले, तब तक इसकी एंट्रेंस और स्पॉन्सरशिप के टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रही होगी, अगर रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप मर्चेंट नेवी में इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बनना चाहते हो तो मेरी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है ATU एडमिशन प्रोसेस करके, उसमें 0 से 100 सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में दे दूंगा। अगर और कोई मर्चेंट नेवी के रिलेटेड क्वेरी या फिर डाउट है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी आप वहाँ पे भी डायरेक्ट DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी तक देख रहे हो और लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दे ताकि दिलचस्प मर्चेंट नेवी के रिलेटेड वीडियो आपकी मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।